जो इस नज़म च है हुणे तू सामने आंदा वे सी एक सलवात उची आवाज नाल पढ़ो। एक सलवात थोड़ा जज्बा वधा के पढ़ो। मेराज लफ्ज़ मेराज बुलंदी कलाम भी इवें बुलंदी का सफर है। अच्छा कलाम का रुख बाबा जी वो इंज होंगे इंज भाई हर सतर इवें बुलंदी का सफर करे तो एरी गर्मी तुसा भी अपने शऊर का रुख इंज रखना है इंज नहीं। मैं कलाम शुरू किया है मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज मोहम्मद में। इस मुश्किल माहौल में हिम्मत करनी है तुसा भी असा भी जिंदगी दराज सामने बंदे आखदे यार मैं तो ऐसा पहले नहीं दिखा। अच्छे शहर का या तो लुत्फ है कि आम लहजे रूटीन की गुफ्तगू मंजूम वो कर छोड़े तो कलम साहब कैसा नहीं देखा भाई मिसरे सानी का खुमार ही ऐसा है कि इंशाल्लाह गर्मी पहले भी तुसा नौ मनाई बैठे मजीद कैफियत सोनी बन वैसी। मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज पूछो कैसा में भी ऐसा नहीं देखा अल्लाह अली में कोई पर्दा नहीं देखा। या अली ऐसा नहीं देखा पर्दा नहीं देखा शहरी जबान च इस काफिया रदीफा दे कसीदे दी जमीन आ दे बैग दैम आले हो कोट मोमिन आले हो इस इलाके आले हो मुकदी मुकामा अली वाले हो मेरे चौड़ा अल्लाह नहीं बाबा शिया दा कीदा नहीं खामखा किसे दे फतवे लावण दा इवें इवें मूड होवे उहदा तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता ना जबान रोक सकता है लेकिन ओ फिरका ही हो रहे उहदा ना ही हो रहे जिहड़ा इन्हां नूं उलूहियत हा ये अल्लाह नहीं मजर खुदा एन हूँ बाबा नजम शाह जी ये लफ्ज़ मजर के उत्ते घंटा तकरीर करन मैं गुफ्तगू करा चूंकि पुराना नौकर हाँ कसीदे तो इलावा भी चाहिए तो गुफ्तगू हो सकती है लेकिन नहीं जाकिर दा फजाइल रुबाई कसीदा लफ्ज़ मजर तू जहन च रख तकलम दियाँ दो लाइना च मैं एक मंजर लफ्ज़े मज़र के मुतालिक मैं शेर पे पढ़ता मूसा नज़र तूर मेरे मौला का जलवा मूसा नज़र तूर अकीदा बोले सी मौला का जलवा मूसा नज़र तूर मेरे मौला का जलवा मूसा नज़र तूर मेरे मौला का जलवा पूरा तो बहुत दूर है आधा जिंदगी दे राज़ों ने चलो ऐसा ऐसा माहौल खुद ब खुद बनता आंदा है लेकिन ये पता नहीं मेरा वहम है या इवें थोड़ी जी कंसंट्रेशन की कमी नज़र आ रही है वो पूरी करो
यकसुई तोड़ता ही इमें मुकम्मल हाजिर करो अपने आप नू। ऐसा नहीं देखा, पर्दा नहीं देखा, आधा नहीं देखा। अगला शेर एक साहबी का शेर है, एक नौकर का शेर है। साहबी नबी का नहीं, साहबी अली का है। जिन्हें इंज किया है ना एमी समेत मार। और ये शेर मेरा ख्याल है जरा माहौल इवें थोड़ा डिस्टर्ब आई, ये उस माहौल नू इवें तमानाई देवण वास्ते ये सपोर्टिंग जिया शेर है। पूरी नजम सरदारा दी, हिक्का शेर साहबी दा। जोड़े बंदे इस कौम नू डरेंदे धमके निन्ना ते खासकर मौत दी धमकी तो उन्हां दे मुंह ते ये तमाचा शेर। अक्सो सैयद की में जरा शेर सुने। उस पेड़ को पानी जा फांसी पे चढ़ेंगे, बाबा पुराने नौकर हैं ना, मिन्नत वाली दात दे कह लें ते ना जोरी ते बाई कुंज के ते सतर छोटी होनी ते दात दी कोशिश करनी ना। बाबा जिमें नगीना फिट होंदा है ना बाबा अल्लाह वास्ते हुण इस सैटिंग दो जाकरां दे दरम्यान कीती करो। जाकर दी पढ़ाई दे दौरान इतार न त्रोड़ी करो, एक सलवात उची करके पढ़ो। याली याली ऐसा नहीं देखा, पर्दा नहीं देखा, आधा नहीं देखा। चूंकि नज़म कोई 15-20 दिन तू पढ़ रहे हैं, ये शेर की कीमत का मैं तो पता है ना। जिमें नगीना फिट होवे ना तो बंदे हाथ पकड़ पकड़ के पुछदे ये मुंदरी कित्थों बनवाई है। इहदा मतलब एक कारीगर का काम बुलेंदा है। हुण फांसी पानी ऐसा नहीं देखा मेरा बच्चा, पर्दा नहीं देखा। मैं चेहरे पढ़ने भी नजम शाह जी तू लैके वो खलोते हो यहाँ तक लफ्जे पानी नाल। हुण जिहड़ा काफिया फिट पिया होंदा है उहदा मजा जरूर चवाए। बचा चढ़ेंगे मीसम सा कोई मौत का प्यासा नहीं देखा। पहली दफा मैनू महसूस होया कि मजमा मुकम्मल इवें फिट होके सतर नाल प्रवास कर गए। मौला तेरा शुक्र। बड़ी मेहरबानी जिंदगी दराज उमने राधे उच राधे उच। दुनिया कमरा इम्तिहान है, एक सलवात पढ़ो। जरा ये जी बिच होंदी है इवें समझो वो पठान आखा ही हम फिर से शुरू करता है। वत मस अस मस्कीना नू एक दिहाड़े ये जेन भाई एक एक मिनट हर मेंबर दा वो एक कैलकुलेशन दे मुताबिक होंदा है, वरना अगला बानी वो परेशान हो जांदा है। गाजी दा वास्ता ही तो कुछ हिम्मत कर, हुण बार बार उन्हां नू अच्छा नहीं लगता असां रोकीए, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एम पी आखे ना कि एक गलती कर बैठा है लेकिन इन्हू हाथ नहीं लामना, ये मेरा बंदा है। पीर जी वल्ला खुशामद नहीं, बढ़िया नफीस और खूबसूरत लॉजिकली ऐसिया बातें बाबा रतवाल आले उमन या पीर नजम शाह जी जिन्हों का कोई रद्द नहीं होता, बड़िया पक्या पीटियां
जड़ी गल इस लाजिक दे तराजू ते भी जरूरी नहीं भाई हर गल किताब वाली इस तराजू ते पूरी उतरे बाज लिखिया ही पंदियां लेकिन पूरिया नहीं उतर दिया लेकिन जड़ी अकल दे तराजू ते पूरी उतरे ना ते हर चुंडे चू गल सोनी होवे उदा बड़ा ही लुत्फ हुंदा है एम ए ने आखे कि मेरा बंदा है तो मौलवी फतवा नहीं लैंदा बल्कि खुद तौजियां पेश करता है कि यार इस तो मुराद ओ नहीं इस तो मुराद पार्टी है ये है वो है यानी पर्दे पैंदा है और कवरिंग देंदा है अगर एम एन ए इस जुमले की कवरिंग तू देना है तो मतलब से मेरा बंदा हाँ तो कलों भी लिख छोड़ा है बत तेन पीड़ न पवे मैं सत्र पढ़ता हाँ अगर इत्थे अली आई तो लुत्फत वैसिया अल्लाह के बंदे तो नजर आते हैं लेकिन अल्लाह के बंदे तो नजर आते हैं लेकिन अल्लाह के बंदे कितने आते हैं लेकिन दो दख में अली का कोई बंदा नहीं देखा बारीकी नाल सुना करो खासकर असां नौकरां नूं या अमीर अल मोमिनीन तेरे लखे सां सब तो बारीक ते मुश्किल शेर आई अगर उस ते ही तुसां इस गर्मी च इस डिस्टर्ब माहौल च तुसां पास हो गए हो तो बस फिर मेरी हाजिरी का मकसद पूरा है सादात मोमिनीन हुण पूरी नजम का नचोड़ शेर ते आसान शेर ते वड्डा शेर तकलम जिहा शेर अगर नतीजे दो बन एक दोज़ख होवे एक जन्नत होवे एक लिखे दूजा छोड़े तो उहदे कद ते जुड़दा नहीं बाबा शिया शिया रा सुनिया सुनी रा लेकिन हुसैन दा नौकर है तो समा थोड़ी होर उची कर आंखें मल के देखना ताकि मंजर क्लियर नजर आए मुहावरा उर्दू का निभावन आला तकलम पढ़न आला थोड़ा आदना नौकर ते नतीजे वाला शेर मल मल के बहुत देख है आंखों को कई बार मल मल के बहुत देख है आंखों को कई बार मल मल के बहुत देख है आंखों को कई बार जन्नत में कोई दुश्मन जहरा नहीं देखा इसे बतौल दिया धिया नू बहु मारा ने वल्ला बिला जी में किबला आखे इया मौजज़ है इतनिया कैफीता बदलियां बंदे परेशान होके बह बंजना लेकिन नहीं इया जिक्र दा मौजज़ है इया जिक्र दी तासीर है बल्कि किबला कुमी साहब नू याद किया ने भाई अली रज़ा भी तो मेरे जहन च ही करीब करीब उसां तो विछड़न उन्होंने सवाब मिल वैसी एक लफ्स हो अक्सर मसैब इथाऊ शुरू करेंदे हन वो फरमेंदे हन इस वेड़े दी हर धी जख्मी है सिर्फ ओ नहीं जहाँ रुख होने मलिक साहब पड़े वो एक नहीं हर थी सलामत रहो हर दी जख्मी हर बतूल जख्मी है सुना वे नबी दी वो जख्मी हाय
वाह वाह वाह, जुमला मैं सारा ते पहुंचावा चा है। आदे ना हादसे वाली धी जख्मी होवे ना ओही बर्दाश्त नहीं होती। हादसा दा मकसद इतफाक, हादसा तो इतफाक होंदा है ना। ते पे फिर मैंने ते जे को दुश्मन जान के मारे फिर जी तुसा तो सफर ही मेरा मुखा छोड़ा। हर बतूल जख्मी है, हर थी जख्मी। जो हुक्म किया गया है मौसम भी है और रब्त भी है कि केड़ी केड़ी बतूल जख्मी है। शाम दे जहर मौजूद हो सो जवार शाम बन के बाजार च ही रोंद, दरबार च ही रोंद। लेकिन जितना गिरिया इस जख्मी कन्ना वाली की कबर ते होंद यार अमीर ना बनना शामिल हो। असा यार इस दौर दे जाकिर नहीं ना, जो वास्ते पाऊं ते तू हाय करे ना बाबा हाय हो जड़ जिगर च खुद तेरे निकल गई है। हांज भावे एक होवे सफर ही तू खुद करे। आओ रल के पीनी है वैन उस वेले दा। मैं अर्ज कीता है कि जरा जवार इस जिक्की कबर ते बहुत रोंद है और टुरद है ते वत वलद है ते वत टुरद है ते वत वलद है। जरा आम जवार बर्दाश्त नहीं करेंदा। जवाब मैनू हिक्का बिस्मिल्ला, जवाब मैनू हिक्का दे उचा जय हत्था नाल दफन कीती आई। उदे हालात के उस कोई मजमून निगारी नहीं, इंतजार नहीं। कैफियत तेरी अरी सोनी बन गई है। मैं करीब तू चंद वैन पढ़ा। कैदा छुट गई बैन दी कबर ते पहला जुमला खस मासूमा नित पुछ दिया मैं ना कदा लासन वेख। अगु भेड़ के आख है वीर मैनु शाम में कला छोड़ी वेने अल्लाह मां। अगु तसली दा अंदाज वेखे छोटियां दे अपने दुख बयान करन दे रंग होंदे, वड्डियां दे अपने तसली दे अंदाज होंदे। जेड़े ना कैफियात नूं समझदे हो, जेड़े करीब तो मसैब सुन दे हो। जरा भेड़ आख्या शाम च कला छोड़ी वेंदे। मेरा ख्याल है बाबा जी मेरी अज दी मुकान दा ये जुग जुमला है। अल्लाह मान ये तो फिर दुखां दे डूंगे समंदर इन्ना। फिर बादशाह पया दिन के वीर कुआ दी आई मैनू एक जुमला जालिम दा खा गया। जितना मारना समारे लेकिन मैं को ए ना आखे जो अब्बास गिन गई है। बाबा केड़िया जाखरिया इन्होंने दिनों च तुस सारे जाकिर हो, ये खुद जाकिर भी हैं मुकानी भी हैं। बस पीर जी वत थोड़ा इस जुमले दे बाद आओ भाई मेरा हक है कि थारे सारे दौर दे सुल्तान बाबा खातिम शाह जी ठत्ती आले मरसिया तो चलो मैनू हुक्म आई मैं मरसिए तक दा ये सफर करदा पिया मी और मैं कर चुका। मैं मरसिए दी सरहद ते पहुंच चुका लेकिन थारे जुमले दे बाद बाबेरा दरजात पलंग ने एक पैगाम पढ़ दिया।
थोड़े जुमले नाल उस पैगाम दा रबत है बिरा खड़ा दे असा जो करबला बनना है ते तेरे ही तो करबला बहु सजन आने कोई पैगाम आदे पैगाम तो वसदियां दे आने वो बंदा वड़ा अमीर है जड़ा हाई भी शिया ओदा माता मला हाथ नहीं उठा यार सुनने बिरा तक सिर्फ रोमन की शक्ल च बनावा असल सैयद उन्होंने ममनून है इमाम बाबा जी बकायदा ना चावनी शुरू किए अकबर आदि सलाम बाबा जैसे सीने दी है लका में आदि सलाम कासिम आदि सलाम सारे ना चैने चैने इमाम आदिन अलमा वाला जड़ी यार नाथ याद आई सलाम मैं जवान मातमी उन्होंने हाथ जिन्हें आजाद हैं मैं वेखना चाहना जड़ी हर इसम ते सलाम आदि रही इनू इमाम आखा अलमा वाला कबर तड़पी ते रो के पया दिए वाया या मासूमा अजा तो मैं पैगाम शुरू किया है शाला मैं पूरा पैगाम सुना ली एक मातम की कैफियत पड़े सी रो के पया दिए फाइया हाँ के पया अजो रे कोई तो नहीं किया दिया पुत्र चलो दुखी होवे ओ कहंदी थी इंज रुखी ना होवे जड़ी आखे रेत गर हौसला मेरे बच्चे जड़े मुंह दा पुरसा पैरें दे ओ पीछे बह के सजादा दिन मैनू लगता है कि असल पैगाम हुण दे मनाई आदि हां आदि चाचे नू आखे तेडी मां मातम ना करे सो शिया तो मातम कर ओ तेरी माँ अगली सतर मस्तूरा ते हिस्से दी अल्लाह नाल ओ नाले माँ हाय मासूमा अच्छा मैं छुड़ेंदा प्यामी मेरे अजीज आखे हुक्म बहुत ज्यादा है भावे एक सतरी पढ़ बाबा जी थोड़े कच्ची दे जाकर दी तरतीब तुसा शेखपुरे उस दिन बहुत खूबसूरत जुमला आखा बंदे अमल तवाती नहीं करें दे तो ही नाली रे बैठा पढ़ता छुड़े मिल लेकिन आओ असा सैयद है साडा हाके इन्हों का जिक्र जरा किनाए नाल करिए जदा पैगाम सुन बैठा है ना ते कबर वाली आदि वीर अल्लाह वास्ते थोड़े मातम आलिया सत्रह तो मैं हूं पढ़नियां क्या बात है यार इया मजलस है यार इया मुकान है सज्जाद रोंदा खड़ा है कबर वाली एक सवाल कीता है जिस कैफियत का तुसा जुमला आखे ना वात इस कैफियत नू बरकरार रखा है आदि वीर
ते करबला दे बाद कित्थां वैसे हुण ओह लफ्ज़ दी सादगी ते गुरबत समझ जिहदे नाल वैण दा रब ते जना भेण आखे करबला दे बाद कित्थां वैसो तो चौथे इमाम दे मूँह चो निकले वतन। यार चूंकि अपने वतन ते बह के ते जुमला सुने तो हर बंदे उंज हाय नहीं की, लेकिन आओ तेरे जिगर च हथ पोसी एडा दुखा लफ्ज है वतन दे बाद जवाब है। जना बीमार आखे वतन, इस लफ्ज वतन दा असर शाम वाली कबर ते कितना हो रहा है, कबर तड़पी है ते रो रो के पया दिया तू टू हूं मैं कि रोका थानू, मैं क्यों आखा जो हाथ पकड़ो जाकरा ते एहसान करा नहीं बाबा, मासूमा दी तनहाई में पड़ा तू मातम क्यों ना करे। साडा आत्मनील कह सैयदी कह 14 साल, कहती 2 साल, कहती कितने साल, इस मासूमा एक लफ्ज आख है शाला तेरे दिल तक पहुंचे। सजादा दिन भेणी तो खुश होमी बेरामा दिया कैदा छुटल ते तू तो रोमी है, अगू जवाब लेके पैया दिए आए मासूमा।